नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कन्हैया दुकान वाला में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टॉपिक है। और दोस्तों, जब भी हम अपना मकान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात रहती है कि हम जब भी अपना मकान बनाए तो एक मजबूत मकान बनाए, जिसकी अच्छी लास्टिंग हो, क्रैक जल्दी ना आए, तो हमारी कहीं ना कहीं सोच होती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है, बहुत जगह ऐसे देखा है कि नए मकान है उनमें क्रैक आना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो इनसे बचने का क्या तरीका है आखिर? तो उसी सिलसिले में मैं आज आपसे एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये जो है, जैसा आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये पीडीलाइट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है ये मार्केट में। इसको डॉक्टर फिक्सिट के नाम से लोग जानते हैं। डॉक्टर फिक्सिट LW प्लस कहकर ये मार्केट में आता है, जिसका प्रोडक्ट कोड 101 है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, कुछ इस प्रकार का इसका पैकिंग है। येलो और ब्लू कलर में इसका पैम्पलेट जो लगा हुआ था डब्बे में, कुछ इस प्रकार के रहते हैं। इसको जो कंपनी बहुत बार जो ब्रांडिंग करती है, उसमें बार बार कंपनी ने कहा है कि हमारा सीमेंट टॉनिक है। ऐसा डब्बा भी लिखा हुआ भी है, यहाँ देख रहे हैं, टॉनिक फॉर सीमेंट। तो सीमेंट टॉनिक है। और ये कंपनी और भी एक बात कहती है कि हमारा इंटीग्रेटेड वाटर प्रूफिंग है। इंटीग्रेटेड वाटर प्रूफिंग, जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड वाटर प्रूफिंग वो चीज़ होता है जो मकानों को अंदर से वाटर प्रूफिंग करता है। अंदर से वाटर प्रूफिंग कैसे करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत जगह आपने देखा होगा कि बेसमेंट जो होते हैं मकान के, उसमें बहुत जगह सलाबी आने लगता है, क्योंकि ग्राउंड से वो सटा रहता है, तो दीवार के थ्रू वो सलाबी आता है, जो कि बाद में आपको जाके पेंट भी पपड़ी मार देता है। अगर पुट्टी वाल पुट्टी का अगर काम करा रहते हैं, तो वहां भी आपको चाहे कितना भी बढ़िया पेंट क्यों ना हो, वहां पे भी आपको पपड़ी मार देता है वो। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये है। और कहीं ना कहीं अगर बेसमेंट में ही अगर आपके सलाबी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मकान के नींव को कमजोर कर दे रहा है। तो आइए और आगे बढ़ते हुए मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ बताता हूँ। तो कंपनी का जैसे कहना है कि सीमेंट टॉनिक है हमारा, ये सीमेंट में मिला के यूज किया जाता है। ये मैं एक बार बता दूं कि इसको कोट आप नहीं कर सकते हैं, कोटिंग आप इसका नहीं कर सकते हैं, कोटिंग आप बिल्कुल इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस है। आप इसको सीमेंट में मिला के यूज किया जाता है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं? तो पहला फायदा है कि कंपनी कहती है कि इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाता है। अक्सर देखा गया जब भी ये सीमेंट के साथ जो मिलाया जाता है, तो इसमें बबल नहीं आते। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी आपका राजमिस्त्री प्लास्टर कर रहा है ना, तो एक दीवार पे जब भी वो मसाला फेंकता है, तो अच्छे से चिपक जाता है। गिरने का रेशियो बहुत कम हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। 10-15% देखा गया है कि इसका जो प्लास्टर जो है वो नीचे कम गिरता है, जिससे कि समय की बचत होती है। और दूसरी चीज है कि जब भी आप इसको कॉलम या स्लैब ढालें, तब वहां पे इनका यूज करें। उससे क्या होगा कि अंदरूनी जो वाटर का जो सीपेज होता है ना, वो रुक जाएगा आपका। तीसरी चीज है कि आपका जो है सरिये में जो जंग नहीं लगेगा इसके कारण, ये जो प्रोडक्ट है इसके कारण सरिये में आपका जंग नहीं लगेगा, उससे बहुत हद तक ये बचाता है। और एक अगर ओवरऑल देखें तो ये मकान का पूरा वाटर प्रूफिंग कर देता है। खासकर इसको आप बाथरूम के पास जरूर यूज करें, और एक्सटर्नल प्लस्तर आप करवा रहे हैं तो उसमें करें। जितने भी आपके कॉलम हैं, स्लैब हैं, बीम हैं, या जितने भी आपके ढलाई के काम है, सारे में आप इसका यूज करें, ताकि आपके मकान मजबूत बना रहे, पानी का अंदरूनी सीपेज खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये बहुत हद तक क्रैक नहीं आने देता मकान में। मकान में जो होते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्रैक आ जाते हैं, कभी कभी मकान अभी बना हुआ कुछ ही दिन हुआ है और देखेंगे आपकी मकान में क्रैक आने लगा, तो वो भी ये रुकता है, मकान का क्रैक जल्दी नहीं आने देता है। और एक मकान का एक तरह से ये आयु बढ़ा देता है, इसीलिए इसको सीमेंट का टॉनिक कहा गया कंपनी के द्वारा। और मैं आगे बताऊं कि इसके जो पैक है वो क्या क्या पैक साइज में अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं बता दूं आपको, 200 ग्राम से लेकर ये 20 लीटर तक में आते हैं। 200 ग्राम के आते हैं 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के पैक साइज में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसको यूज करने का क्या तरीका है? तो कंपनी का जैसा कहना है कि आप 1 लीटर का जो पैक है, इसमें आप 5 बोरी सीमेंट में आप 1 लीटर केमिकल डालें। तो जैसे 1 लीटर, 1 बोरी आपको यूज करना है, तो उसमें आप 200 ग्राम का यूज करें। तो ये कुछ इनका रेशियो है कंपनी का। और उसके बाद इसका जो MRP है 1 लीटर का, ₹175 आज की डेट में इसका MRP है। डिपेंड करता है, 1 लीटर का मैंने बताया, डिपेंड करता है कि कौन से पैक का आप खरीद रहे हैं। और इसका जो रेट होता है एक्चुअल रेट, ये तो MRP रेट मैंने बताया, एक्चुअल रेट डिपेंड करता है कि रिटेलर क्या है, वहाँ कैसे क्या रेट देता है और मार्केट में क्या रेट चल रहा है वहाँ का, तो उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। बाकी मेरा सुझाव रहेगा, अगर आप मकान बना रहे हैं, एक अच्छी मजबूत मकान आप सोच के बना रहे हैं, तो जरूर आप ये चीज डलवाएं, उससे आपके मकान की डेफिनेटली लाइफ अच्छी बढ़ जाएगी और एक मजबूत मकान आपको मिल जाएगा। और मैं जाते जाते फिर से मैं एक बार बता दूं कि आप इसको कोटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे सीमेंट में लगा के कोटिंग करने वाला, इनके 301 नंबर के कोड के प्रोडक्ट आते हैं, उसको आप किया जाता है। ये 101 है, आप इसको सीमेंट में मिला के आप इसको यूज करें। बाकी आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको, ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का सवाल हो, आप हमें कमेंट करें। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।